हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोगों। और जैसा कि टाइटल और थंबनेल में आपने देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप की तरफ से एक नया और लेटेस्ट अपडेट आया, और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट आया है। इसमें आपको इन ऐप ब्राउज़र विद सेफ ब्राउजिंग फीचर आने वाला है जल्दी एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए। तो आज हम इसी के बारे में अपने वीडियो में बात करने वाले हैं कि इन ऐप ब्राउज़र और सेफ ब्राउजिंग फीचर क्या है व्हाट्सएप के अंदर। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं ना टाइम वेस्ट करते हुए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक कुमार प्ले को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट टेक न्यूज हर दिन पाने के लिए। और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिएगा, फॉलो करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन में क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोज के लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, आज हम बात करने वाले व्हाट्सएप की एक नई अपडेट के बारे में, जिसमें कि आपको बताया जाएगा इन ऐप ब्राउज़र क्या है और सेफ ब्राउजिंग फीचर क्या है व्हाट्सएप के अंदर, और वो अभी सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए आने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये जो अपडेट है वो अभी बीटा फेज में आ चुका है। अगर आप बीटा टेस्टर प्रोग्राम में ज्वाइन किए हुए हैं गूगल के बीटा टेस्टर प्रोग्राम में, तो आप अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर सकते हैं और इस जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसका मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो ये जो व्हाट्सएप ने न्यूज़ दिया है कि नया अपडेट आने वाला है, इसमें आपको इन ऐप ब्राउज़र देखने को मिलेगा। मतलब जैसे कि आपको कोई भी लिंक देता है किसी भी पेज का, या कोई भी लिंक आपको शेयर करता है व्हाट्सएप पर, तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के वेब ब्राउज़र में उसे खोल सकते हैं। मतलब कि आपको किसी और ब्राउज़र में रीडायरेक्ट होने का ज़रूरत नहीं है, जैसे ही क्रोम में या मोज़िला में, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के वेब ब्राउज़र में उसे खोल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपडेट आई है व्हाट्सएप की तरफ से, और जल्द ही ये अपडेट आपके फ़ोन में ऑफिशियल व्हाट्सएप में आने वाला है। अभी ये व्हाट्सएप के बीटा टेस्टर प्रोग्राम में चल रहा है, जल्द से जल्द आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और मैं बता दूँ, ये इसमें आपको एक और फीचर दिया गया है। ये जो फीचर है इन ऐप ब्राउजिंग का, इसके साथ आपका सेफ ब्राउजिंग भी होगा। मतलब कि जैसा कि आप जानते हैं, आजकल बहुत सारे फेक वेबसाइट्स आ रहे हैं जो कि आपके आपके फ़ोन को कंटेंट को व्यू कर सकते हैं। अगर वो जो भी वेबसाइट है वो मैलिशियस होगा, तो व्हाट्सएप उसे रिकॉग्नाइज कर लेगा और आपको बता देगा कि ये मैलिशियस कंटेंट है, और वो उस साइट को नहीं ओपन करेगा, आपको वहीं से एग्जिट करवा दिया जाएगा। और मैं बता दूँ, अभी जो बीटा फेज में ये इन ऐप ब्राउज़र का जो फीचर आया है, उसमें आपको जैसे कि आप कोई भी पेज ओपन करते हैं उस लिंक के थ्रू, तो व्हाट्सएप में तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लेकिन आप जो इन ऐप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप के अंदर, उसमें आपका स्क्रीनशॉट और वीडियो कैप्चर नहीं ले पा रहा है। ये एक बग हो सकता है, तो देखते हैं कि ये बग सुधरता है ऑफिशियल अपडेट के पहले या नहीं। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी अपडेट आई है व्हाट्सएप की तरफ से। और मैं बता दूँ, ये जो फीचर है ये एंड्रॉयड 4.1 के ऊपर वाले एंड्रॉयड्स में सिर्फ आएगा। मतलब 4.1 के नीचे वाले एंड्रॉयड में जिन भी लोगों ने व्हाट्सएप इंस्टॉल करके रखा होगा, वो अपडेट नहीं आएगा उन लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी अपडेट आई है व्हाट्सएप की तरफ से। फेक न्यूज़ को काफ़ी कम करने का कोशिश कर रहा है व्हाट्सएप। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और नोटिफिकेशन में क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।